रोबोट ओलंपियाड 2008 में भाग लेने के लिए देश भर से 60 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें अमिटी स्कूल का दबदबा रहा। इस प्रतियोगिता में विजेता रहे 6 बच्चे अमिटी स्कूल के ही थे। इंडिया रोबोट ओलंपियाड में विजेता रहे ये 6 बच्चे वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड में हिस्सा लेने जापान जाएंगे। टेक्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड ने तीसरे इंडियन रोबोट ओलंपियाड का एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में आयोजन किया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल और स्वतंत्र श्रेणी के प्रतियोगियों ने अपने अपने रोबोट यहां दिखाए। ये सभी रोबोट लेगो माइंड स्टार में एजुकेशन नेक्स्ट की तकनीक पर तैयार किए गए थे। बच्चे पिछले 3 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इसके अंदर बहुत तरीके के रोबोट्स आपने देखे हैं डेवलप करे हुए हैं, जिसमें उन्होंने अल्ट्रासोनिक सेंसर, लाइट सेंसर, टच साउंड सेंसर लगा करके, लाइट सेंसर यूज़ करके और बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोबोट्स बनाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील्ड मानी जाती है, उसको स्कूल्स के लेवल पर, इनफैक्ट 6th-7th स्टैंडर्ड के लेवल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करके। अब आजकल बच्चों का आपको मालूम है जब कंपटीशन होता है तो ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, तो हम लोग ना केवल बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि कॉम्पिटिशन भी होल्ड करते हैं जहाँ पे इनके बनाए हुए रोबोट्स एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं। रोबोट्स को देख कर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों का मानना था कि इस तरह की प्रतियोगिता से उन्हें नई तकनीक के बारे में तो पता चलता है, साथ ही खेल खेल में पढ़ाई भी हो जाती है। Cannot be described. हम उसको words में describe नहीं कर सकते, इतनी अच्छी feeling है, उसको words में नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें expect नहीं था कि हम इतने high level पे अब जाएंगे, WRO, Yokohama, Japan. अब हम wish कर रहे हैं कि हम अपना best put कर सकें वहाँ पे, जापान में, और इंडिया के लिए कुछ अवार्ड ला सकें। नोएडा में हुए इस राउंड के बाद अब नंबर बेंगलुरु का है। बेंगलुरु में 28 सितंबर को ये प्रतियोगिता होनी है। इन दोनों शहरों में से चुने गए बच्चे जापान में होने जा रहे वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे। शिल्पी चौधरी, जी बिजनेस। महाराष्ट्र के पुणे शहर में आगाज हुआ पुणे फेस्टिवल का। गणेश उत्सव के साथ ही फेस्टिवल और मेलों की धूम मचनी